देना होगी, देना होगी, पानी के जल देना होगी, देना होगी, देना होगी। संघर्ष हमारा राज्य अध्यापक संघ आज से नहीं, जब जब से 98 से हमारी नियुक्ति हुई उस समय से लेकर आज 500 रुपए से लेकर आज हम 50-60 हजार रुपए तक गए, ये सब लोग संघर्ष शासन मध्य प्रदेश शासन से आज हमारा विशेष आग्रह है कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं। जिस प्रकार दिल्ली में गैर कांग्रेस शासित राज्य जहाँ पर भी है वहाँ पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा आंदोलन, हम घर घर जाएंगे, घर घर लोगों को समझाएंगे और इस आंदोलन को एक रूप देंगे। जो भी आज दिन तक मिला है वो हमें संघर्ष। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या आप एक हो जाओ, अरे भैया हम अलग एक हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, मनभेद जागरूक होने की जरूरत है। और देना होगी, देना होगी, पानी के जल देना होगी, देना होगी, देना होगी, पानी के जल देना होगी, देना होगी, देना होगी, पुरानी पेंशन देना होगी, देना होगी, देना होगी, पुरानी पेंशन देना होगी, देना होगी, देना होगी, पुरानी पेंशन देना होगी, देना होगी, देना होगी। जैसा कि हमारा जो आज का ज्ञापन है वो हमारे आगे जो ब्लॉक अध्यक्ष भरत राठौड़ भाषण करेंगे। और मैं एक बार और आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी संघर्ष यात्रा 8 तारीख को आ रही है, नीमच में 4:30 बजे गांधी वाटिका से निकलेगी। अब शिक्षक समर्ग की मांगों के निराकरण विषयक महोदय जी निवेदन है कि हम ज्ञापन के माध्यम से राज्य शिक्षा सेवा समर्ग अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक समर्ग की निम्नलिखित मांगों एवं समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नंबर एक है, प्रदेश के NPS योजना अंतर्गत सम्मिलित समस्त लोक सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाए। राज्य शिक्षा समर्ग के शिक्षकों को की स्थगित क्रमोन्नति पर रोक हटाते हुए अविलंब क्रमोन्नति आदेश जारी किए जाए। राज्य शिक्षा सेवा समर्ग में सम्मिलित समस्त शिक्षकों, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अध्यापक एवं गुरुजी की वरिष्ठता संबंधी असमंजसता को दूर करते हुए सभी शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। अतः महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त मांगों एवं समस्याओं का शासन स्तर पर उचित निराकरण कर प्रदेश के लाखों शिक्षकों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के 2022 को जिला स्तर पर धरना ज्ञापन प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत ही समस्त शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ ब्लॉक मनासा, अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ मनासा एवं जिला अध्यक्ष नीमच सीमान से अनुरोध है। ज्ञापन के माध्यम से जो मांगे आपने दी गई है वो उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दी जाएगी। शिक्षक दिवस पे पधार हुए शिक्षक बंधुओं, आप सभी अपना अमूल्य समय देकर आज पधारे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार 8 तारीख को अगली जो भी तारीखें सभी संघों के माध्यम से दी जाती है, आप सभी सहयोग दें ताकि अपना समय रहते हुए निराकरण हो जाए। धन्यवाद सभी का।